अस्सलाम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डील्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं उस्मान खान। आज मैं MGM रेजिडेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। प्रेजेंट एयर के कमर्शियल पर यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। काफ़ी अच्छी और हेल्दी सराउंडिंग्स है इसकी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। अगर आप बात करें प्लॉट नंबर 104 प्रेजेंट एयर का कमर्शियल, 266 जो है इसका एक प्लॉट साइज़ है, लेकिन 33 स्क्वायर यार्ड जो है इस पर एक्स्ट्रा लैंड है जो इस प्लॉट के साइज़ को 300 स्क्वायर यार्ड कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके बिल्डर्स के बारे में बात करूँ, उनके पास्ट के बारे में, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, तो MGM बिल्डर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के जो है वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका हेल्दी बैकग्राउंड है, शिपिंग लाइन से इनका जो है वो ताल्लुक है कराची के अंदर। इन्होंने काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं DHA कराची के अंदर। इनके तकरीबन 250 से 300 विलाज इन्होंने बना के दिए हैं। और इनका जो मेन पॉइंट था, बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने से पहले ये रेजिडेंशियल जो है वो बिल्डिंग्स बनाते थे, उनको उनसे ये रेंटल इनकम लेते थे, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है। उन्होंने इनको इसको पूरे हद तक सेल किया है ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो मैक्सिमम बेनिफिट इससे ले सकें। तो अगर बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये एक प्रीसेंट कमर्शियल है, तो इससे ज़्यादा बहरिया अलाउ नहीं करता। काफ़ी, जैसे मैंने पहले सराउंडिंग्स कहा, हेल्दी सराउंडिंग्स हैं। डेस्क ऑन टावर्स हैं बिल्कुल इसके फेसिंग पे, ग्रैंड जामा मॉस्क है, उसके बाद अली ब्लॉक, प्रीसेंट 10A, प्रीसेंट 11 इसके सराउंडिंग्स पर हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीसेंट 10A, प्रीसेंट 11A, अली ब्लॉक जो है वो हार्ट ऑफ बहरिया टाउन कराची कंसिडर होते हैं, क्योंकि अभी ही इसके अंदर जो है वो 80 से 90% जो है पॉपुलेशन मूव इन हो चुकी है। उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर आपको 1 बेड से 2 बेड के डिफरेंट साइज़ के अपार्टमेंट्स दिए गए हैं, और इनका जो रेट है वो कंसिडरेबली दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे काफ़ी अच्छा है। 9,000 पर स्क्वायर फीट जो है इन्होंने रेट दिया है, और आपको इससे आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि आपको छोटे से जो छोटा अपार्टमेंट है 39 लाख के अराउंड अबाउट जो है आपको एक अच्छा और एक छोटा अपार्टमेंट 1 बेड प्लस लाउंज का अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकेशन वाइज भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और सबसे मेन चीज़ जो कमर्शियल के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं कि उनके बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी, तो बिल्डर्स इन जो बिल्डर्स हैं वो काफ़ी हद तक इनके क्रेडिबल हैं। उनको इस बिल्डिंग को टाइम पर कंस्ट्रक्ट करने के कोई इशू नहीं है, ना पेमेंट का कोई इशू है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी बैकग्राउंड है उनका। उसके बाद इस जो सबसे प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, मैनुअल ट्रेंचिंग भी इस प्रोजेक्ट की हो चुकी है। अगर आप गूगल अर्थ पे इसकी लोकेशन प्रीसेंट 8 का कमर्शियल डेस्क ऑन टावर के बिल्कुल सामने प्लॉट नंबर 104 का अगर आप गूगल अर्थ पे देखें, तो आपको इसकी सराउंडिंग्स की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि ग्रैंड जामा मॉस्क बिल्कुल इसके सामने है, डेस्क ऑन टावर्स हैं। उसके बाद इसकी जो प्राइमरी अमाउंट्स हैं, 15% जस्ट 15% डाउन पेमेंट पे आप ये अपार्टमेंट बुक करा सकते हैं, 10% इसके डिगिंग चार्जेस हैं, और 10% आपको पोजेशन पे देना होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए वीडियो में मेरा नंबर दिया गया है, आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फी मानी।